हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलर पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कलकत्ता ग्रुप की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकारों को पढ़ा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं हेमंत मिश्र। पहला पॉइंट क्या होगा, हेमंत मिश्र क्या है? हेमंत मिश्र आपके कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं, ठीक है? क्या है? कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए अब इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। जन्म, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर 1917 को डिब्रूगढ़ असम में। कहाँ पर हुआ है? डिब्रूगढ़ में, जो आपका कहाँ है? असम में है, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 13 अक्टूबर को। कब हुआ है? 13 अक्टूबर को। कब? 1917 में। कहाँ पर? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है आपका? असम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हेमंत मिश्र। हेमंत मिश्र अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक है? किससे प्रभावित थे? तो यह है अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि हेमंत मिश्र किससे प्रभावित थे? तो अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक है। चलिए से प्रभावित थे, से अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हेमंत मिश्र की कला पर। हेमंत मिश्र की कला पर यूरोपीय कलाकार डॉली और अर्नेस्ट का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो हेमंत मिश्र की कला पर किसका? सबसे पहले यूरोपीय कलाकार, ठीक है, किनका प्रभाव है? यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव। और वो कलाकार कौन से हैं? डॉली और अर्नेस्ट हैं। कौन है? डॉली और अर्नेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि हेमंत मिश्र की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव है, तो आप क्या कहेंगे? डॉली और अर्नेस्ट का। और हेमंत मिश्र पर किसका प्रभाव है? तो अति यथार्थवाद का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हेमंत मिश्र ने घनवाद से प्रभावित चित्रांकन 1952 में किया, ठीक है। तो आप पहले जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेमंत मिश्र किससे प्रभावित थे? अति यथार्थवाद से प्रभावित थे, ठीक। और इनकी कला पर किसका, यूरोपीय कलाकार किनका प्रभाव था? डॉली और अर्नेस्ट का प्रभाव था। अब यहाँ कह रहे हैं कि हेमंत मिश्र ने किससे, घनवाद से संबंधित चित्रांकन भी किया। कब किया? तो वह किया है 1952 में, ठीक। कब किया है? 1952 में। तो आपसे कहा जा सकता है कि हेमंत मिश्र ने घनवाद से प्रभावित चित्रांकन कब किया? तो 1952 में किया, ठीक है। किससे संबंधित? घनवाद से प्रभावित चित्रांकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हेमंत मिश्र
की वेशभूषा क्रांतिकारियों जैसी लगती थी। कैसी लगती थी? क्रांतिकारियों जैसी लगती थी, ठीक है, जैसी लगती थी। तो क्या है इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो हेमंत मिश्र ऐसे कपड़े पहनते थे, उनकी मतलब ऐसी वेशभूषा रहती थी जैसे जैसे कि किसी क्रांतिकारी की होती है, ठीक है। तो हेमंत मिश्र ने, हेमंत मिश्र ने पर्वतों, चट्टानों, भवनों को नष्ट करते हुए, को नष्ट होते हुए चित्रित किया, ठीक है। नष्ट होते हुए क्या किया इन्होंने? चित्रित किया। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट का इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेमंत मिश्र ने किस पर्वतों को, चट्टानों को और भवनों को किस तरह से चित्रित किया है? नष्ट होते हुए चित्रित किया, यानी उन्हें नष्ट होते हुए चित्रित किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा सकता है ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे पर्वतों, चट्टानों व भवनों को नष्ट होते हुए चित्रित किया? तो आप क्या कहेंगे? हेमंत मिश्र। चलिए अब कुछ इनके प्रमुख चित्रों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्रमुख चित्र, तो इनका प्रमुख चित्र वो है प्रिमिटिव एयर, प्रिमिटिव एयर, ये एक इनका चित्र हो गया। दूसरा है वर्स ऑन फायर, वर्स ऑन फायर, उसके बाद हो गया इको ऑफ एसांग, इको ऑफ एसांग, ठीक है। नेक्स्ट हो गया द परस्यूडिंग, परस्यूडिंग, परस्यूइंग दी पेंटिंग, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख चित्र हो गए, ठीक है। क्या हो गया? प्रमुख चित्र हो गए। चलिए एक हो गया इनका क्या? प्रिमिटिव एयर, ठीक है। तो आपसे पूछा सकता है प्रिमिटिव एयर किसका चित्र? तो आप कहेंगे हेमंत मिश्र का है, ठीक है। वर्स ऑन फायर, ठीक है, वर्स ऑन फायर, इको ऑफ एसांग, ठीक है, इको ऑफ एसांग, द परसुइंग द फेडिंग, द परसुइंग द फेडिंग, ठीक है, द परसुइंग द फेडिंग द फेडिंग। चलिए अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में जान लेंगे। इनका प्रमुख प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी हैं? प्रमुख पुस्तक, ठीक है। चलिए कौन कौन सी हैं देख लेंगे। तो इनकी पुस्तक है भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला 1978 में लिखी गई है पुस्तक इनकी, ठीक है। दूसरी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी भी गई है काफ़ी बार एग्ज़ाम में, ठीक है। दूसरी है रूपार अंतरम रूप, रूपार अंतरम रूप, ठीक है, ये लिखी गई 1990 में, ठीक है। और कौन सी है? देखो लुइट, देखो लुइट अरु सागर, ठीक है, देखो लुइट अरु सागर। तो ये इनके प्रमुख पुस्तकें हो गई, ठीक है। कौन कौन सी हैं? भारतीय चित्रकला जो इम्पोर्टेंट है, ये कब लिखी गई है? 1978 में लिखी गई है, ठीक। रूपार अंतरम रूप, ये कब लिखी गई? 1990 में लिखी गई। और एक इनकी पुस्तक कौन सी है? देखो लुइट अरु सागर, ठीक है। तो चलिए
यमन में से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक तक के लिए थैंक यू।